हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर सुमन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए बैगन की रेसिपी लेके आई हूँ। गाइस, बैगन को बैगन बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल होता है जिसे हमें अपने डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, हार्ट की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा होता है, कैलोरी भी इसमें काफ़ी कम होती है, इसके साथ ही ये हमारे खून की कमी को भी दूर करता है। इस डेली हम इसको सब्जी या भरते के रूप में तो नहीं खा सकते हैं, तो आज हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे जिससे कि बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी होगा और एक स्टार्टर रेसिपी की तरह आप इसको कभी भी बना सकते हैं। इसे हम फ्राइंग पैन पे और ग्रिलर पे दोनों तरह से बनाएंगे। गाइस, इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे जिससे कि सिर्फ 2 चम्मच तेल से ही आप पूरी रेसिपी बना लेंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का बैंगन लिया हुआ है, तो आप लंबे बैंगन या गोल वाले बैंगन में से कोई भी बैंगन ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सीड्स नहीं हो, वो फ्रेश हो। अब हम इसके गोल स्लाइसेस काटेंगे। तो गाइस, यहाँ पर जो स्लाइसेस की थिकनेस होगी वो 1 सेंटीमीटर या 1/2 इंच के बराबर होगी, तो आपको एक जैसा सभी को कट करना है। तो अगर आप एक जैसा काटेंगे गाइस, तो इसका कुकिंग टाइम सेम रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि एक स्लाइस पक गई और एक नहीं पकी, इसलिए आप जैसे आप भी इसको काटें एक जैसा ही काटें। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो बिल्कुल पनीर से भी यम्मी हमारी रेसिपी बन के रेडी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बैंगन तो हमारा कट चुका है, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल मसाले इसमें हम डालेंगे। ये सारे मसाले जो भी हैं आपके घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ले ली है, थोड़ी सी हल्दी ले ली है, थोड़ी सी धनिया ली हुई है, इसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला है। ये सारी जो भी क्वांटिटी है वो मैंने मेंशन की हुई है। इसके साथ ही इसमें जीरा और कलौंजी। कहिए जो कलौंजी होती है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इसका फ्लेवर आएगा इसी से आता है। यहाँ पर अब मैंने इसमें थोड़ी सी अमचूर का पाउडर डाल दिया है और नमक डाल दिया है। तो इन सभी जो ड्राई मसाले हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलौंजी को कहीं कहीं मंगरेला भी बोलते हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो, ये वही है। इसे अचार में भी यूज़ किया जाता है। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका जो बैंगन का फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन भी ऐड करेंगे। तो गाइस, बेसन, मैदा या कॉर्नफ्लोर, इस तीनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो बेसन के साथ ही अब हम इसमें मलाई और दही भी डालेंगे। तो 1 चम्मच मलाई और 1 चम्मच दही भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो और इसके साथ ही 1 चम्मच यहाँ पर हम मक्खन भी लेंगे। तो मक्खन और मलाई ये दोनों ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो अगर आप इसको ऐड करते हैं गाइस तो इससे जो इसका फ्लेवर आता है बहुत बढ़िया आता है। और ये जो बेसन हमने इसमें डाला है ये बहुत अच्छे से बाइंड भी हो जाता है। आप चाहें तो मक्खन की जगह आप इसमें 1 चम्मच तेल भी ऐड कर सकते हैं, तो आप सरसों का तेल डाल सकते हैं इसमें। तो इनसे होगा ये कि जो बेसन है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब ये ड्राई नहीं है। अगर आपने ड्राई ही बैगन में लगा दिया होता तो फिर वो जलने का डर होता है। तो गाइस, आप इसी तरह से बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि जो जैसा मैंने आपको बताया कि ड्राई मसाले से मैरिनेशन करते हैं तो फिर वो जल सकते हैं मसाले। तो इस तरह से अगर हम लगाते हैं तो जो बटर का इसमें फ्लेवर है या जो दही का फ्लेवर है वो भी आएगा, और साथ ही बेसन अपना काम करेगा, वो बहुत अच्छे से बैंगन को क्रंची बनाएगा। हम बैंगन को 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं उसको बैंगन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले उसके फ्लेवर को। अब इसे पकाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन लिया हुआ है, तो जिसमें हमें बिल्कुल भी ऑयल को यूज़ नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। तो 2 से 3 जितने भी इसमें सेट हो जाए आप इसके बैंगन के स्लाइस को सेट कर दें। मैं यहाँ पर 1 चम्मच फ्रेश क्रीम को यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे आपने देखा मैंने बिल्कुल भी इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने स्टार्ट में जो बैंगन का मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा बटर यूज़ किया हुआ था, या जो ऑयल आप यूज़ करना चाहें। वैसे आप चाहें तो क्रीम की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, 1 चम्मच तेल से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर इसके ऊपर गार्निश कर दिया था। तो 1.5 से 2 मिनट गाइस, ये डिपेंड करता है कि बैंगन आपका फ्रेश है कैसा है। अगर फ्रेश बैंगन है तो बहुत जल्दी बन जाता है, तो
आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने इसमें बेसन में थोड़ा सा दही लगाया था, जिससे ये बिल्कुल भी मसाला हमारा जला नहीं है। बहुत ही मज़ेदार यम्मी हमारी स्टार्टर रेसिपी बन के रेडी हो गई है, जिसको आप खाने के साथ भी दे सकते हैं, आप इसे डिनर में बना सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से ग्रिलर पे बना के दिखाती हूँ। तो ग्रिलर पे भी आप थोड़ा सा चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, या फिर आप बगैर ऑयल के भी इसको बना सकते हैं। ग्रिलर में भी हमारा बैगन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर अच्छे से गार्निश कर दे रहे हैं। पनीर की जगह आप नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म हमारी स्टार्टर बैगन भाजा रेसिपी बन के रेडी हो गई है। कैसा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से होगा ये कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।